हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम शिवम। बच्चों, जूनियर इंग्लिश ग्रामर के इस सेगमेंट में हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 11, 12 और 13 का। ठीक है, इसके चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर पढ़ने के लिए आप चैनल पे मेरे जाकर वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से चैप्टर पढ़ सकते हैं और वहाँ से एक्सरसाइज बना भी सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज भी वहीं अपलोड किया हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वहीं वीडियो में ही आप पॉज करके बना सकते हैं और फिर वहाँ बनाने के बाद वापस आके आप यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इन सेंटेंसेस में क्या करना है, वर्ब्स निकालना है और निकाल के बताना है, पिक करना है कि वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें बनाना है ये। तो आइए मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ही रीड्स। यहाँ कोई वर्ब दूसरा नहीं है रीड्स के अलावा। ठीक है, इसलिए रीड्स ही क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अगला है ही इज़ रीडिंग। यहाँ देखिए, इज और रीडिंग दो वर्ब हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि लास्ट जो वर्ब होता है वो हमेशा मेन वर्ब होता है और उसके पहले ये सपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ अ स्टूडेंट। इसमें इज के अलावा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए जो इज है यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला है आर यू अ डॉक्टर। इसमें आर जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इस वर्ब के अलावा कोई वर्ब नहीं है। अगला है आर यू कमिंग टुडे। इसमें दो वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, आर और कमिंग। तो जो लास्ट वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब होता है और जो ये वर्ब है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला है ही कैन डू। इसमें कैन और डू, ठीक है, ये दो वर्ब्स हैं। तो डू जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और कैन जो है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला है यू शुड हेल्प मी। ठीक है, यहाँ शुड और हेल्प दो वर्ब आपको दिख रहे होंगे। तो जो हमेशा की तरह जो लास्ट वर्ब है वो मेन वर्ब होगा और जो पहले वर्ब आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट कुड बी डन। ठीक है, कुड बी डन, तो कुड बी और डन। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कुड और बी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और डन जो है ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कुड और बी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला है मे आई कम इन। मे आई कम इन, यहाँ मे और कम दो वर्ब्स हैं। कम जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और मे जो है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही डज नॉट नो। ठीक है, तो डज और नो ये दो वर्ब्स हैं और एज यू नो कि नो जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बाद में आ रहा है सेंटेंस में, बाद में आने वाला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शी हैड बिन स्लीपिंग। तो यहाँ हैड बिन और स्लीपिंग, ठीक है, तो हमेशा की तरह स्लीपिंग जो है लास्ट में आ रहा है तो ये मेन वर्ब होगा और हैड और बीन क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शी हैड बीन अ डांसर। यहाँ हैड और बीन दो ही वर्ब हैं, बाकी कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ जो लास्ट में वर्ब आ रहा है ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब और ये हैड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शी हैड नो मनी। ठीक है, हैड सिर्फ एक ही वर्ब है और इसलिए यही एक वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो ऑक्सिलरी ही यानी हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना दिखता हो, फिर भी वो मेन वर्ब होगा, जैसा कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दे मस्ट बी वर्किंग देयर। ठीक है, यहाँ देखिए मस्ट बी और वर्किंग ये आपको वर्ब्स दिख रहे हैं। यहाँ वर्किंग जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा, मस्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और बी भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हमेशा लास्ट में आने वाला वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दे मस्ट बी थिप्स।
यहाँ मस्ट और बी दो वर्ब्स दिख रहे हैं, इसमें बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि मस्ट बी ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 में अभी मैंने बताया कि दोनों हेल्पिंग वर्ब्स थे, बिल्कुल थे, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से ये यहाँ पे बी जो है ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो आई शैल हैव बिन प्लेइंग, ठीक है, तो शैल हैव और बिन और प्लेइंग, ठीक है, इतने वर्ब्स आपको दिख रहे हैं। तो ये प्लेइंग जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब और ये तीनों हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आई शैल हैव बिन और टीचर, यहाँ शैल हैव और बिन, यहाँ बिन जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आने वाला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है, और ये दोनों वर्ब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आई शैल हैव नो वर्क, शैल और हैव, ठीक है, ये दोनों वर्ब्स हैं, तो इसमें हैव जो है ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और शैल जो है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वी शैल बी लीडर्स, यहाँ शैल और बी दो वर्ब्स हैं, तो शैल पहले आ रहा है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और बी लास्ट में आ रहा है इसलिए मेन वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दे डू नॉट डू एनी वर्क, डू डू दो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला डू है ये मेन वर्ब हो जाएगा, और पहले जो डू आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हमेशा याद रखिए किसी भी सेंटेंस में लास्ट में जो वर्ब आता है वो हमेशा मेन वर्ब होता है, और उसके पहले आने वाले सभी वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रहा है और वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना दिखता हो, लेकिन एक वर्ब अगर वो आ रहा है तो वो मेन वर्ब होगा, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें इज जो है ये दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब होगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12, जो क्या कह रहा है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स इन दिज सेंटेंसेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बच्चों आपको बताना है, और मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में क्या होता है। अगर वर्ब हमें बताना होता है तो सॉरी ऑब्जेक्ट बताना होता है वर्ब का, तो हम कभी भी वर्ब के साथ क्या करते हैं, व्हाट और हुम का क्वेश्चन जोड़ के और क्वेश्चन करते हैं, अगर आंसर मिल रहा है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि माई मदर लव्स मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, मी, क्यों, अब इसका आंसर आप ढूंढिए कि लव्स वर्ब है और लव्स के साथ आप क्या क्वेश्चन पूछिए, हुम, लव्स हुम, किसको प्यार करती हैं, तो मी, मुझे, तो इसलिए मी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमें देखना है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ व्हाट और हुम का वर्ड यूज करते हैं, और हम आंसर ढूंढते हैं, जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। हुम लव्स, किसे प्यार करते हैं, तो मी, मुझे, ठीक है, यहाँ हुम का आंसर मिल जा रहा है, व्हाट का आंसर नहीं मिले लेकिन हुम का आंसर मिलता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप चैनल पे जाके और वर्ब का चैप्टर सॉरी हाँ वर्ब का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना हुआ है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, आई लव माई मदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आप निकालिए, आई लव माई मदर, हुम, किसको, किसको आप प्यार करते हैं, माई मदर, तो माई मदर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला है डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, तो वॉट नो, क्या क्या जानने की बात हो रही है, तो बात हो रही है इंग्लिश जानने की, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे फी व्हाट और हुम का यूज करके देखिए, अगर आंसर मिल जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, आई शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो क्या सॉल्व कर लेंगे, व्हाट व्हाट किसकी बात हो रही है, क्या सॉल्व करने की बात हो रही है, तो द प्रॉब्लम,
हुम का भी आंसर यहाँ मिल जाएगा, किसको सॉल्व करने की बात हो रही है, तो द प्रॉब्लम, तो ऐसे में द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माई फादर बाउट मी अ पेन, ठीक है, मेरे पिताजी ने एक पेन खरीदी। यहाँ आप वॉट का आंसर अगर तलाशेंगे, क्या खरीदी मतलब वॉट बाउट, तो क्या हो जाएगा, अ पेन, एक पेन खरीदी। तो अ पेन भी एक, आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है, ठीक है। क्या खरीदा, तो ए पेन, एक पेन, और हुम किसको खरीदा, तो मी, मुझे। तो व्हाट का भी आंसर मिला और हुम का भी आंसर मिला, इसलिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अ पेन और दूसरा हो जाएगा मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम आए तो ही डिड द वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, उसने काम किया, तो क्या, व्हाट डिड, क्या किया, तो द वर्क, काम किया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा, द वर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हुम का आंसर आप ढूंढ सकते हैं, अब आप ढूंढ के पता कीजिए व्हाट का या हुम का किसी एक का आंसर मिलना चाहिए, और वो मिल गया है द वर्क, ठीक है। काइंडली गिव मी द पेन, व्हाट गिव, आंसर खोजिए, व्हाट गिव, ठीक है, क्या, तो द पेन, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये हो गया। और हुम गिव, किसको देना है, तो मी, मुझे, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट वर्ब ऑफ द वर्ब ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये हो गया, यानी दो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मिल गए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ही गेव राम अ बुक, ठीक है, ही गेव राम अ बुक, उसने राम को एक पुस्तक दी। हुम किसे दी, तो राम को दी, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। और क्या दी, तो अ बुक, बुक दी, तो व्हाट और हुम दोनों का आंसर मिल रहा है, इसलिए राम एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा और अ बुक दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डॉग कैन रन फास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द डॉग कैन रन फास्ट, क्या, इस यहाँ पे व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख सकते हैं। ही रीड्स इन दिस क्लास, ही रीड्स इन दिस स्कूल, क्वेश्चन नंबर 11 में रीड्स, व्हाट रीड्स, क्या पढ़ता है, यहाँ तो आंसर नहीं मिलेगा। हुम रीड्स, किसको पढ़ता है, यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में भी कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, व्हाट फ्लाइंग, तो काइट्स, आंसर मिल गया, व्हाट या हुम लगा के आंसर वर्ब में पूछना है, पूछा तो क्या आंसर मिला, व्हाट, व्हाट फ्लाइंग, तो काइट्स, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या हो गया, काइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, ही रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी, व्हाट रीड, व्हाट रीड, तो इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसलिए इंग्लिश एंड हिंदी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, व्हाट प्ले, तो क्रिकेट, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय कट हिज हैंड विथ अ नाइफ, ठीक है, द बॉय कट हिज हैंड विथ अ नाइफ, व्हाट कट, हैंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आई डोंट लाइक द नॉटी बॉय, व्हाट डोंट लाइक, किसको लाइक नहीं करते, मतलब हुम डोंट लाइक, हाँ हुम डोंट लाइक, हुम का आंसर मिल जाएगा क्या, दैट नॉटी बॉय, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, दैट नॉटी बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो आई लव द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, हुम लव, तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ऑफ दिस स्कूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट ब्रिंग, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए ये अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कटिंग, द ओल्ड ट्रीज,
क्या काट रहा है, तो द ओल्ड ट्रीज को काट रहा है, इसलिए व्हाट का आंसर तो मिल रहा है, इसलिए द ओल्ड ट्रीज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दे मेक दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर, व्हाट मेक, तो दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर आंसर मिल गया, तो इसलिए दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 13 में, तो एक्सरसाइज 13 को हम देखेंगे, और ये क्या कह रहा है एक्सरसाइज 13, पिक आउट द मेन वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सेंटेंसेज में से मेन वर्ब को चुनना है और बताना है कि वो ट्रांजिटिव हैं या फिर इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव होने की शर्त क्या है, मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब्स होते हैं जिसके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होते हैं। जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं होते हैं, यानी जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, फिर एक बार, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गो है। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, आप ढूंढिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, व्हाट और हुम का आंसर मिलेगा, क्या जाते हैं, क्या किसको जाते हैं, दोनों का आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में गो ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, लेकिन इसका चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव, मैं इंट्रांजिटिव को आई एन लिख दूंगा। ठीक है, अगला है दे आर कमिंग सून। ठीक है, यहाँ पे कमिंग का व्हाट और हुम लगा के बनाइए, क्या क्या आ रहे हैं, दे आर कमिंग सून, क्या आ रहा है, व्हाट कमिंग, पता नहीं व्हाट कमिंग, यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए कमिंग भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का, कमिंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही रीड्स द बुक, क्वेश्चन नंबर 3, ही रीड्स द बुक, व्हाट रीड्स, तो द बुक, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मिल गया, द बुक। ठीक है, तो ऐसे में रीड्स क्या हो जाएगा, चूंकि ये ऑब्जेक्ट मिल गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ही रीड्स, व्हाट रीड्स, पता नहीं, नहीं मालूम, तो रीड्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही रीड्स स्लोली एंड केयरफुली, ही रीड्स स्लोली एंड केयरफुली, व्हाट रीड्स, आंसर नहीं मालूम, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही रीड्स इन द 5th क्लास, व्हाट रीड्स, आंसर नहीं मालूम, और जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, माई फादर टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है, व्हाट टीचेज, तो इंग्लिश, हुम टीचेज, तो मी, दो दो ऑब्जेक्ट मिल गए, तो जब ऑब्जेक्ट मिल गया, व्हाट और हुम का आंसर हमें मिल रहा है टीचेज को जोड़ के, तो टीचेज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, टीचेज एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आंसर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माई फादर टीचेज इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे टीचेज, व्हाट टीचेज, पता नहीं, हुम टीचेज, पता नहीं, किसको पढ़ाते हैं, कुछ पता है, हुम और व्हाट का आंसर तो मिल नहीं रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ ये टीचेज क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। अगला है डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, व्हाट वॉक, पता नहीं, हुम वॉक, ये भी नहीं मिल रहा आंसर इसका, तो इसलिए वॉक भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, व्हाट फ्लाई, नहीं मालूम, हुम फ्लाई, पता नहीं, तो बर्ड फ्लाई क्या हो जाएगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स, व्हाट फ्लाइंग, इसका आंसर है काइट्स, और जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो फ्लाइंग क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वी ईट 3 times a day, व्हाट ईट, 3 times a day तो ठीक है, लेकिन व्हाट ईट, क्या खाते हैं, पता नहीं, हुम, किसको, ये इसका भी आंसर नहीं, तो ईट क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रहेगा वही ट्रांजिटिव वर्ब होगा,
जिसका ऑब्जेक्ट अब वर्ब नहीं है उसका उसका कुछ मतलब वो इंट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है। वी ईट ब्रेड, अब देखिए यहाँ आंसर मिल गया, यहाँ कोई आंसर नहीं था कि क्या खाते हैं, लेकिन यहाँ आंसर मिल जाता है ना कि ब्रेड एंड राइस। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऐसे में ईट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इट कैन नॉट ईट, वॉट कैन नॉट ईट, वॉट कैन नॉट ईट, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिल रहा। इट कैन नॉट ईट, ईट का कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ईट क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। डू यू नो हिज नेम, हुम, किसको, तो यहाँ पे हिज नेम, ठीक है, यहाँ मालूम हो जा रहा है हुम नेम, तो हिज ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए नो क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ही नोज एवरीथिंग, व्हाट नोज, तो एवरीथिंग, तो यहाँ पे आंसर मिल गया, तो इसलिए नोज भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही लिव्स इन अ विलेज, व्हाट लिव्स, पता नहीं, हुम लिव्स, ये भी पता नहीं, ये दोनों आंसर नहीं मिल रहा है, क्या, किसको, क्या क्या रहता है, पता नहीं, किसको रहता है, इसका भी आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए लिप्स क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ही डूइंग इन द फील्ड, डूइंग, व्हाट डूइंग, पता नहीं, हुम डूइंग, पता नहीं, क्या करता है, क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, पता नहीं, दोनों का आंसर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए डूइंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, ठीक है, हेल्प, हुम हेल्प मी, हेल्प क्या है, यहाँ पे हेल्प क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहीं वैसे ही यहाँ देखिए इसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू, हुम रिक्वेस्ट, तो यू, तो रिक्वेस्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट और हेल्प दोनों क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज़ डू नॉट बीट दीज पुअर बेगर्स, किसको पीटने की बात हो रही है, दीज पुअर बेगर्स यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो व्हाट क्या आंसर यहाँ मिल रहा है, इसलिए बीट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 11, 12 एंड 13। अगला जो चैप्टर है एडवर्ब, वो अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं एडवर्ब्स को, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।